हे गाइस, आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें 7 से 8 वीडियो होंगे। टेरेस गार्डनिंग फॉर बिगनर। इस सीरीज का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, क्यों हमें टेरेस गार्डनिंग करनी चाहिए और हम कैसे कर सकते हैं। बेसिक से लेके नेक्स्ट लेवल तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टेरेस गार्डनिंग, वो सब मैं आपको बताऊँगा। एक वीडियो में सबको कवर करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कैसे आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं और आपको क्या क्या चाहिए होगा, कितना खर्च आएगा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दीज अपकमिंग वीडियोस। सो पहला वीडियो आज शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आप भी टेरेस गार्डनिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए पहला एपिसोड शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप टू टेरेस गार्डनिंग इज वाटर प्रूफिंग। टेरेस गार्डनिंग शुरू करने से पहले क्या हमें छत वाटर प्रूफिंग करानी चाहिए? अगर आप अपने टेरेस को वाटर प्रूफ करा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपना पर्सनली बता दूं तो मैंने 3-3.5 साल हो गए मुझे टेरेस गार्डनिंग करते, मैंने कोई वाटर प्रूफिंग नहीं कराई है। हाँ, मैंने इस तरह के वुडन प्लैंक्स यूज़ किए हैं, ये कुछ बेस्ट स्टाइल यूज़ किए, वो ग्रो बैग जो है वो डायरेक्ट छत पर टच नहीं हो रहा है। अगर आपके पास वुडन ब्लैंक और टाइल्स वगैरह नहीं है यूज़ करने के लिए, तो आप इस तरह के ड्रेन मैटिस भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि ये जो ग्रो बैग है ये डायरेक्ट छत से टच नहीं होगा और जो एक्सेस वाटर है वो इन ड्रेनेज मैट से निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे आपको, तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यही वाली आप टाइल्स या कोई वुडन प्लैंक आप यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर प्रूफिंग अगर आप नहीं करा सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है या वाटर प्रूफिंग कराएं, क्योंकि मैंने वाटर प्रूफिंग बिल्कुल नहीं करवाई है और मैं अभी टेरेस गार्डनिंग कर रहा हूं और मेरे घर में भी कोई सीलिन की प्रॉब्लम नहीं आई है। टेरेस गार्डनिंग में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है पॉट सिलेक्शन। किस तरह का पॉट खरीदना चाहिए छत के लिए, क्या बेहतर रहेगा, ये हमेशा एक कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो मार्केट में कई तरह के पॉट अवेलेबल हैं, कुछ तो ऐसे प्लास्टिक पॉट होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रो बैग आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के सीमेंटेड पॉट आते हैं, बट मेरा आपको सजेशन ये है कि सबसे बेस्ट है ग्रो बैग यूज़ करना। एक तो ये लाइट वेट रहते हैं, 50 से 60 रुपए में आपको ये 12 इंच का ग्रो बैग मिल जाएगा जिसमें आप इस तरह की जैसे मैंने इसमें करेले लगाए हैं, इस तरह मैंने खीरे लगाए हैं, और ये थोड़े स्मॉल वाले ग्रो बैग हैं जो कि पॉलीथीन से बने हैं, इनमें मैंने ये शिमला मिर्च वगैरह लगाई है। अगर आप ग्रो बैग पे भी पैसा नहीं खर्चा करना चाहते तो एक और सस्ता काम हम कर सकते हैं, जैसे कि ये राइस बैग है। आप जो घर में राइस लाते हैं, जो राइस बैग बच जाते हैं, इनमें मैंने खीरे लगाए हुए, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई और बैग यूज़ कर सकते हैं, कोई बोरी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह का बड़ा ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये मैं 4x2 का ख़रीदा था मैंने, ये 4 फीट बाई 2 फीट का ग्रो बैग है। इसमें आप 8 से 10 प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें अभी टमाटो लगाए हैं, समर में टमाटो लगाता हूँ, सर्दियों में मैं इसमें गाजर लगाता हूँ। तो ग्रो बैग जो है वो टेरेस गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक तो ये लाइट वेट है और ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी रहता है और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। टेरेस गार्डनिंग क्यों करनी चाहिए? हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक रीज़न होता है। मैंने ये टेरेस गार्डनिंग क्यों शुरू करी, आपको क्यों करनी चाहिए, तो इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस संसार में, इस दुनिया में आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ, स्वास्थ्य। आप कुछ भी कमा लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, जो मर्जी दुनिया में बना लीजिए, लेकिन अगर आप हेल्थी नहीं है ना, अगर मैं हेल्थी नहीं हूँ ना, तो ये सब चीज़ें बेकार है। इसीलिए जो नंबर वन धन कहा गया है, वेल्थ कही गई है, वो है हेल्थ। अभी हो गया रहा है कि मैंने ये क्यों शुरू करी, क्योंकि मैं, सिंपल बात है, मैं केमिकल फार्मिंग वाली वेजिटेबल खुद को और अपने परिवार को नहीं खिलाना चाहता था। केमिकल फार्मिंग मींस ज़्यादा बीमार, ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना,
सब कुछ करते हैं हम अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन टेरेस गार्डनिंग जैसी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो हम केमिकल फार्मिंग वाली खा रहे हैं उसका हमारी सेहत पे कितना गलत प्रभाव पड़ता है। टेरेस गार्डनिंग इसीलिए मैं करता हूँ क्योंकि मैं खुद और खुद अपने परिवार को केमिकल वाली वेजिटेबल नहीं खिलाना चाहता। यकीन मानिए, जब से हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल खा रहे हैं उगा के खुद, सचमुच कि हमारे परिवार में जो बीमार होने का टर्म रहता है, जैसे कि पहले बच्चे हर 5वें दिन 6ठे दिन बीमार रहते थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, लगभग ना के बराबर। इसलिए टेरेस गार्डनिंग ज़रूरी है। ये साथ साथ में मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ, ये है रेड लॉन्ग बीन, पहली बार लगाई हैं। जनरली ग्रीन कलर की हम बीन्स लगाते हैं, लॉन्ग बीन्स, तो ये रेड कलर की है, थोड़ा यूनिक उगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर है इसका। इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि टेरेस गार्डनिंग हमें स्टार्ट करने के लिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। ये देखिए, ये भी मैंने ब्लैक कुकम्बर है, काला खीरा है, जो कि लगाया था इस ग्रो बैग में। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, इस ग्रो बैग की लाइफ 3 से 5 साल होती है। मेरे यहाँ ये वाले 3-3.5 साल हो गए हैं इनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।